लीडरशिप की सलाहियत मुझ में सिरे से ही नहीं है। चार लोगों के सामने जब बोलता हूँ तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, गला खुश्क हो जाता है और मैं... बस बस बकवास बंद कर तू अपनी। बिल्कुल ठीक बोलता है तू, और अगर ऐसा होता ना तो तेरी सेल्स इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे तू अपने कस्टमर्स को डील करता है वैसे अपनी टीम को भी डील करना यार, क्या हो गया तुझे? आइए बैठिए। काजिम साहब मुझे रशीद कहते हैं। जी सर। आपने इससे पहले कहीं सेल्स की है? जी नहीं, मगर मैं कर लूँगा सर। गुड, आप मुझे सर ना कहें प्लीज। तो क्या कहूँ? आप मुझे रशीद कह सकते हैं। जी रशीद भाई। तो मैं आज मैं आपको सेल्स बढ़ाने की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट तरकीब बताऊंगा। अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह जानिए और समझिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। यानी झूठ बोले? ये झूठ नहीं है, हमारे लिए वही कस्टमर बेहतर होता है जो हमें पैसे देता है। और हमारी प्रोडक्ट? हमारी प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। एक तो ये वाकई अच्छी है, दूसरा ये कि हम इसे रोज़ी कमाते हैं। अब मैं आपको वीक का टारगेट बताता हूँ। वीकली टारगेट? जी, अगर आपने ये वीकली टारगेट अचीव कर लिया तो आपको कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये लीजिए। शमीम दिलबर, बड़ी खुशबू आ रही है भाई, क्या पकाया है? बिरयानी और कोफ्ते। माशाल्लाह तेरे चेहरे पे बड़ी रौनक है, लगता है मसला हल हो गया। हाँ पता है, आज अंसार साहब ने मेरी बड़ी तारीफें की हैं। अब पता है क्या किया उन्होंने? क्या? उन्होंने मुझे अपनी पुरानी वाली गाड़ी दे दी है। हाय अल्लाह, गाड़ी कहाँ है? सुबानी की दुकान के पास खड़ी हुई है। तू चला कर लाया है? हाँ सदके, मैं कुर्बान, मेरा गुंडा कितना बड़ा हो गया। शमीम इसमें रोने की क्या बात है? दुआएं पूरी हो गई हमारी, बस अब तो शादी कर ले उस लड़की से और किसी अच्छी सी जगह पर घर ले ले किराए पे। हाँ तो ढूंढो ना घर, किसने मना किया है? हम क्यों ढूंढे, तुम खुद ढूंढो अपने लिए घर, क्यों बाजी? हाँ क्या मतलब इस बात से? हमें देखकर कौन देगा तुझे घर किराए पे, हम यही ठीक हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तुझे पालने की जिम्मेदारी ली थी, कोई सारी उम्र का ठेका नहीं लिया था। कल को तू रिश्ता लेकर लड़की के घर जाएगा, उन्हें थोड़ी ना बताएगा हमारे बारे में। क्यों नहीं बताऊंगा मैं? मैं सबको बताऊंगा कि बड़े भाइयों की तरह पाला आप लोगों ने मुझे। अब इस उम्र में हमें क्या भाई बनाएगा, हम तेरी बहने हैं, बहने ही रहेंगे। जो भी आप, जो भी हो, अगर आप लोग ना होते ना तो शायद मैं भी ना होता। अच्छा चल बस कर, ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत बोल और हमें गाड़ी की सैर करवाना। हम ये पकड़ो इतने, मैं ना आप लोगों के लिए शलवार कमीज लेकर आया हूँ, जल्दी से पहले फिर चलते हैं बाहर। ऐसा ना ना कि मर्दाना पटाना है। चलो 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 चलो, तैयार हो जाओ ना, दे मुझे दो गिलास। मैं आई। किधर था भाई? 10 हॉस्पिटल विजिट किए लेकिन एक बॉटल का ऑर्डर मिला। गर्मी देख रहे हो भाई? यार मैं तो शाम में विजिट किया करूँगा, दिन में काम नहीं हो सकता। काजमी आया? अभी नया है ना, जान तोड़ कोशिश कर रहा होगा। चलो मैं रिपोर्ट करके आता हूँ, जरा अलगाद रखना। थैंक यू डॉक्टर साहब, बस मैं अभी भिजवाता हूँ, मालिक साहब आएंगे आपके पास 1 घंटे के अंदर अंदर। ओके जी, दा हाफिज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है भाई, बहुत थके थके से लग रहे हो। जी 10 हॉस्पिटल विजिट किए हैं मैंने। मुझे पता है। आपको कैसे पता? इन 10 हॉस्पिटल्स में से 4 हॉस्पिटल्स का फोन आ चुका है। क्यों? उन सब ने 10 बॉटल्स का ऑर्डर कंफर्म किया है। नहीं नहीं। जी बताओ कि डॉक्टर सही जमान से आपकी क्या बात हुई थी? वो ऐसे ही बस। ऐसी बस क्या? वो मुझसे कह रहे थे कि हॉस्पिटल में दवाइयों के पैसे नहीं है, आप स्टरलाइजिंग की बात करें तो मैंने तो आपने तो मुझे गुस्सा आ गया, मेरे मुंह से निकल गया कि भाई अगर पैसे नहीं है तो ऑपरेशन थिएटर बंद कर दो, क्यों मरीजों को इन्फेक्शन से मार रहे हो? अभी डॉक्टर सही जमान का फोन आया था, मेरी शिकायत कर रहे होंगे। उन्होंने बड़ा ऑर्डर दिया है,
6 बॉटल्स हर हफ्ते। वाकई? लेकिन देखो माजिद, गुस्सा हर वक्त काम नहीं आता। जो काम मुस्कुराहट करते हैं ना, वो गुस्सा कभी नहीं कर सकता। अब तुम डिलीवरी चालान्स बनाओ और इन हॉस्पिटल्स में बॉटल्स पहुंचाओ। थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? भैया आपकी अपनी मेहनत थी जी। नायला? हाँ, कैसी जा रही है सेल्स? नॉट बैड, अभी एक हफ्ता ही हुआ है ना। लेकिन माजिद की सेल्स वाले से बहुत बेहतर हो गई, पता है? हाँ, वैसे वो दूसरा लड़का, क्या नाम है उसका, नासिर, वो भी बड़ी मेहनत कर रहा था, देखा था मैंने उसे। तेरा ये वीकली टारगेट वाला आइडिया बहुत अच्छा था, वर्क्ड। अरे हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, वो हमारे आज रात को डिनर है और वो क्या होती है ना, वो क्या महफिल गजल वजल टाइप कुछ है, तो तू आएगा? अब मैं? हाँ, ओ इजाजत नहीं मिलेगी तुझे। हाँ नायला, देर हो जाएगी ना रात को तो। अरे यार, तू अपने पेरेंट्स को भी लेकर आना, ये किटकिटी खत्म कर। क्या हुआ? नायला, वो मेरे पेरेंट्स नहीं है। ओ यार, आई एम सॉरी, मुझको पता नहीं था, आई एम सॉरी। हाँ तो फिर? मुझे शमीम और दिलबर ने पाला है। वो कौन है? मेरे भाई हैं वो। ओ तो उनको भी लेकर आना, आर दे मैरिड? नहीं, ओहो टाइम बहुत हो गया नाला, मुझे जल्दी चाय पी लो, चलना है, अनसार साहब से मीटिंग थी मेरी आज। ओफो, एक तो तेरी जल्दी जो है ना, 10 मिनट देर से चले जाना, वो कौन सा टाइम पे आते हैं? हेलो जी। नहीं, माजिद तो बाहर काम से गए हैं, आप कौन बोल रही हैं जी? आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं आता हूँ आपके पास। जी जी जी, बताइए। मैंने अकबर से बात की है रशीद के मकान के सिलसिले में। कौन अकबर? अरे वही ढंगोर, उसकी स्टेट एजेंसी भी है ना। क्या बोला? आजम बस्ती के पास 2 कमरों का फ्लैट मिल जाएगा 2000 तक में। मैंने उससे कहा जितनी जल्दी हो सके इंतजाम कर दे। तुझे इतनी जल्दी क्या है? अब मेरा बस चले तो रातों रात उसे यहाँ से अलग कर दूं। क्यों? देखना, कभी उसका कोई दफ्तर वाला या वो लड़की यहाँ आ गई ना, जहर खा के मर जाएगा रशीद। हैला, वो अकेला नहीं रह सकता, तू समझती क्यों नहीं है? जानवर भी अकेले पल जाते हैं, वो तो फिर पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, अकेला रहेगा तो सब करेगा। या अल्लाह, कैसी पत्थर दिल औरत है तू। हाँ बहुत पत्थर दिल औरत हूँ मैं, और मेरा दिल कहता है कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा, इज्जत के साथ साथ उसके वजूद के भी टुकड़े हो जाएंगे। बाजी वो यहाँ से चला गया, हमसे मिलेगा तो सही ना? नहीं, हम भी पंजाब चले जाएंगे। अच्छा मेरी शक्ल ना देख, जल्दी जल्दी तैयारी कर, फ्लैट के लिए 24,000 जमा करने हैं, पार्टी को टाइम भी दिया हुआ है, चल। रशीद साहब, फिक्र की कोई बात नहीं है, बच्चे का प्लास्टर तकरीबन 6 हफ्ते में उतरेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वेलकम सर। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया रशीद भाई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप, अब तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। सोनू थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा, कल तक हॉस्पिटल रहेगा बस। माजिद नहीं आए अभी तक। माजिद आ जाएंगे, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ ऑफिस जाकर उन्हें ट्रेस करके यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है? शुक्रिया। ओके, सोता एक गोजिया, वे सोने दे
ग्यारह बज गए और वक्त का पता ही नहीं चला। काम भी तो बहुत था ना, 40 डिलीवरी चलान और 40 इनवॉइसेस बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। सही कह रहे हैं। अच्छा बताएं कि आपके बेटे का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। वो रायला आपका पूछ रही थी, किसी दिन आप आए ना घर पे खाने के लिए। ऐसे ही आ जाऊंगा, खाने वाने की क्या जरूरत है। चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चलो चले। क्यों चले हम थाने? नाचना गाना जुर्म है क्या? हमारा तो पेशा यही है। ये तो थाने ले जाकर बताऊंगा ना तुम्हारा पेशा क्या है। बेगैर तो मर्द हो के ऐसी हरकतें करते हो। देखा तो लगा गाली नहीं दे, हाँ वरना थाने में खड़े होकर तेरी सारी हरकतें सबको बताऊंगी। ऐसे पीले राग करूंगी तेरी नस्लें भी याद करेंगी। ना थाने में क्या बताओगे? ए चलना, क्यों लोगों के सामने अपनी बेइज्जती खराब करवाएगा। ए बाजी इसको 25 रुपए। क्यों दूं 25 रुपए? आराम क्या आ रहे हैं क्या? बहुत खून पसीना बेच के कमाती हूँ, किसी आराम को और को नहीं दूंगी। जा जा अपना काम कर। जाने दीजिए, हिजड़े हैं। लेकिन वो पुलिस वाले दिल पर क्या मजमा लगाया हुआ है? चल इधर से, चल तू भी। सुनिए जी, ये क्या हो रहा था यहाँ पे? हिजड़े थे जी, ऐसे शोर मचा रहे थे। क्यों क्यों शोर मचा रहे थे? सीधी साधी आवाम को रोडों के ऊपर औरतें बन के लूटते हैं, मैंने पकड़ा तो शोर मचाने लगे। चलिए रशीद साहब चले, देर हो रही है। हाँ चलें जी, यहीं आप। अब उसे ज़रूरत क्या थी गाड़ी रोकने की, जबकि साथ में कोई और आदमी भी था। हेलो, तेरे सामने कोई रशीद से लड़ रहा होगा तो क्या तू मुंह देखती रहेगी? हाँ, उसकी इज्जत की खातिर एक लफ्ज़ नहीं बोलूंगी, चाहे उसे कोई काट के फेंक दे। चल ना, काट के फेंक दे। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आपसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे आपका रशीद साहब कहकर पुकारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम कलीग्स हैं और आप पहले भी तो मुझे रशीद ही कहकर पुकारते थे। अब आप सीनियर हो गए ना। वो ऑफिस की बात है, इस वक्त हम लोग ऑफिस में नहीं हैं। चलो थैंक यू, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। कैसी मुश्किल? तरक्की होने के बाद आपसे दोस्ती वाली बात ही नहीं रही थी। अच्छा, मगर मैंने तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया। फिर ऐसा करते हैं, कहीं डिनर करते हैं। चलो चले। क्या खाओगे? जो चाहे मंगा लो। डिनर पे मैं लाया हूँ, खाना तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर खाना भी तुम्हारी मर्जी का हो। मुझे अफसोस हो रहा है। किस बात पे? यही कि मैंने इतने दिन जाया कर दिए तुम्हारे बारे में गलत सोच के। चलो कोई बात नहीं, अब तो दिल साफ हो गया ना। एंड आई एम सॉरी। किस बात पे माजिद? ये जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में कहता रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सब कुछ भूल गया हूं। थैंक यू, मुझे तुम जैसे आदमियों की कदर करनी चाहिए, वरना ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो किसी का इतना साथ दें। बेकार की बातें बंद करो और अच्छा चलें खाना ऑर्डर करते हैं।